जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्यौहार उपाय चैनल में। साथ ही मेरे सारे व्यूअर्स को करवा चौथ के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों करवा चौथ का त्यौहार हम सभी सुहागिन महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है ये हम सभी जानते हैं। करवा चौथ का त्यौहार सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और इस व्रत की शुरुआत सूर्य उदय से होती है और इसका समापन चंद्र दर्शन के बाद किया जाता है। करवा चौथ व्रत को यूं तो सभी सुहागिन महिलाएं रखती हैं, लेकिन कुछ कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। खास तौर पर वो लड़कियां जिनका रोका हो चुका है, शादी पक्की हो चुकी है, सगाई हो चुकी है। इसके अलावा कुछ लड़कियां अपने मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए भी करवा चौथ व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है इस व्रत को रखने से उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों जिस तरह से सुहागन महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं, उसी तरह कुंवारी लड़कियों के लिए भी करवा चौथ से जुड़े हुए कुछ खास नियम हैं। दोस्तों ये वीडियो खास तौर पर उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी पक्की हो चुकी है या फिर वो शादी से पहले ही करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उनको किन खास नियमों का पालन करना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं सभी नियमों के बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में से स्किप मत करिएगा। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला नियम है कि अगर आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको ना तो सर्गी मिलेगी और ना ही आप बायना निकाल सकती हैं, तो ऐसे में आप निर्जला व्रत ना करें। हाँ, निराहार व्रत जरूर करें आप, लेकिन आप पानी पी सकती हैं अपने व्रत के दौरान। जब आपकी शादी हो जाए उसके बाद आप इस व्रत को निर्जला ही रखें, लेकिन उससे पहले आप निर्जला व्रत ना करें। दूसरे नियम के अनुसार कुंवारी लड़कियां जब करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो उनको अपने व्रत का पालन करने के लिए चंद्रमा को अर्घ देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने करवा चौथ व्रत को तारे देख करके भी पूरा कर सकती हैं। आप तारों को देखिए, तारों को अर्घ दें और अपने व्रत का पालन करें। तीसरे नियम के अनुसार जो कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उनको छलनी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। छलनी से चांद को सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही देखती हैं। आपकी शादी नहीं हुई है इसलिए आपको छलनी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको चांद को नहीं बल्कि तारों को देखकर अपने व्रत का पारण करना है। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ इसका संदर्भ आपको पुराणों में द्रौपदी की कथा में भी मिल जाएगा। अगले नियम के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत कुंवारी लड़कियां रख रही हैं, उनको इस व्रत के फल स्वरूप अपने मनवांछित वर की साथ ही सुयोग्य वर की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई कुंवारी लड़की जिसकी शादी पक्की हो गई है, सगाई हो गई है, रोका हो गया है, वो इस व्रत को रख रही है, तो उनको अपने इस व्रत का पारण अपने मंगेतर की फोटो देख कर भी कर सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि वो साक्षात आपके सामने आए, तो अगर आपके मंगेतर आपके पास नहीं है तो आप उनका फोटो देख करके भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। अगले नियम के अनुसार जब आप इस व्रत को रखें तो शादी का जोड़ा तो आपके पास अभी होगा नहीं, तो ऐसे में आप लाल रंग के कपड़े तो पहने, लेकिन आप चाहें तो वो सूट, लहंगा या साड़ी भी हो सकती है। तो यह जरूरी नहीं है कि जो कपड़े आप पहन रही हैं वो आपके ससुराल पक्ष से ही आए हों। आप अपने घर वालों से, अपने मायके से भी इन कपड़ों को लेकर पहनकर अपने व्रत को कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ शादी से पहले जो भी कुंवारी लड़की अपने इस करवा चौथ के व्रत को रखेगी तो मेरे बताए हुए इन नियमों का पालन आप जरूर करेंगी, ताकि आपको अपने व्रत का संपूर्ण फल मिल सके, साथ ही सुयोग्य वर की भी प्राप्ति हो। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए व्रत त्यौहार उपाय चैनल। जय माता दी।